बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार अल्लाह की एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा और बख्शिश के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार में मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और बकरे की कुर्बानी देते हैं। बकरा ईद मनाए जाने का इतिहास मुस्लिम धर्म के पैगंबर इब्राहिम के समय तक जाता है। इस दिन पूरी दुनिया भर के मुसलमान लोग अल्लाह की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, इबादत करते हैं और फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। यह त्योहार बकरा ईद की कथा यानी बकरे की कुर्बानी यानी बलिदान के ऊपर आधारित है। इसकी शुरुआत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सपने से हुई, जिन्हें अल्लाह ने एक परीक्षा के रूप में भेजा। उस सपने में अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे इस्माइल की बलि देने के लिए यानी उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने सपने का मतलब यानी अर्थ समझा और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी यानी बलि देने के लिए तैयार किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए तैयार भी हो गए, जबकि वो जानते थे कि उनकी कुर्बानी दी जाने वाली है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बलि देने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मुतय्यन जगह पर पहुंचे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बलि देने के लिए उन पर चाकू से कोशिश की, तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्ची परीक्षा देखी और उनकी मोहब्बत अल्लाह के प्रति देखी। इसके बाद अल्लाह ने उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक बकरा भेजा, जो उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस परीक्षा और उनकी वफादारी ने इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। बकरा ईद के दिन मुसलमान अपने बकरों को कुर्बानी के लिए चुनते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। बकरा ईद के दिन मुसलमान पहले मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, फिर बकरे की कुर्बानी देते हैं। इसके बाद कुर्बानी किए गए गोश्त को वो आपस में पड़ोसियों में गरीबों में बांटते हैं और बनाए गए खाने को भी बांटा जाता है और लोग अपने पड़ोसियों और गरीबों को भी खाना खिलाते हैं। बकरा ईद का यह त्योहार ईमान और वफादारी का प्रतीक है। इस दिन लोग अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं और अल्लाह के आदेशों का पालन करते हैं। यह त्योहार मुसलमान समुदाय के लिए एक आपसी एकता और सद्भावना का प्रतीक है और लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं।